डियर गाइस द एक्स्ट्रा एजुकेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको ट्वेल्थ क्लास हिंदी का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर को लेकर आया हूँ। इस चैप्टर का नाम है पहलवान की ढोलक, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से हमेशा क्वेश्चन पूछ जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। और इस वीडियो में इसके एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला प्रश्न है जैसे कि पहलवान की ढोलक रचना के लेखक का नाम क्या है। क्या कह रहा है प्रश्न पहला, पहलवान की ढोलक रचना के लेखक का नाम क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, फणीश्वरनाथ रेणु। क्या है ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा फणीश्वरनाथ रेणु, ठीक है। प्रश्न दूसरा है, फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म कब हुआ। अब ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सन 1921 में। कब हुआ था, सन 1921 में इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो जन्म बिहार में हुआ था, कहाँ पर हुआ था, बिहार में हुआ था, बिहार राज्य में, ठीक है, फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म। प्रश्न तीसरा है, लुटन कितनी आयु में अनाथ हो गया था। अब यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% ये एग्जाम देखने को मिल सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 9 वर्ष की आयु में। कब हुआ हो गया था, लुटन अनाथ, 9 वर्ष की आयु में लुटन अनाथ हो गया। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम 100% देखने को मिल सकता है। प्रश्न चौथा, अब ये प्रश्न भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किसने लुटन का पालन पोषण किया, यानी किसने लुटन का पालन पोषण किया, यानी कि जब अनाथ हो गया लुटन 9 वर्ष की आयु में, तो उसके बाद में उसका पालन पोषण किसने किया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सास ने। किसने, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सास ने किया था। प्रश्न फाइव है, गांव में कौन से रोग फैले हुए थे। अब ये प्रश्न भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मलेरिया और हैजा। क्या है ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा मलेरिया और हैजा, गांव में ये रोग फैले हुए थे। प्रश्न सिक्स है, ढोलक की आवाज़ गाँव में क्या करती थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, संजीवनी शक्ति का काम करती। क्या ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न सेवन है, शेर के बच्चे, क्या शेर के बच्चे के गुरु का नाम था। अब ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एकदम 100% देखने को मिल सकता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, बादल सिंह। क्या था शेर के बच्चे गुरु का नाम, बादल सिंह, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। प्रश्न एट है, लुटन ने किस पहलवान को हराया, यानी कौन से पहलवान को लुटन ने हराया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, चांद सिंह को। किसको, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चांद सिंह को हराया था। प्रश्न नाइन में, लुटन ने चांद सिंह को कहाँ के दंगल में हराया था। क्या कह रहा प्रश्न, प्रश्न कह रहा है लुटन ने चांद सिंह को कहाँ के दंगल में हराया था। अब यह प्रश्न भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, श्याम नगर के दंगल में। क्या ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, श्याम नगर के दंगल में लुटन ने चांद सिंह को हराया था। प्रश्न टेन है, लुटन ने किसकी अनुमति पाकर चांद से कुश्ती लड़ी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, राजा साहब की अनुमति पाकर चांद सिंह से कुश्ती लड़ी, ठीक है। प्रश्न ग्यारहवां, राजा साहब का नाम क्या था। यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्यामानंद। क्या ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न बारहवां है, युग प्रश्न बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम रिपीट हो चुका है, ठीक है। जीते रहो बहादुर, क्या है, जीते रहो बहादुर तुमने मिट्टी की लाज रख ली, ये कथन किसका है, ठीक है। यानी कि क्या कह रहा है प्रश्न, जीते रहो बहादुर तुमने मिट्टी की लाज रख ली, ये कथन किसका है। राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, राजा साहब का। किसका है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, राजा साहब का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम 100% देखने को मिल सकता है। प्रश्न तेरहवा है, लुटन को किसका आश्रय प्राप्त हो गया, लुटन को किसका आश्रय प्राप्त हो गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, राजा साहब। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, राजा साहब का, ठीक है। अगर यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को दो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और बगल में एक घंटी उसको प्रेस कर दो। बस आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना आपको, ठीक है। प्रश्न चौदहवां, लुटन के कितने पुत्र थे। अब ये प्रश्न भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, दो पुत्र थे। क्या थे, यानी लुटन के दो बेटे थे। प्रश्न पंद्रहवां, लुटन के दोनों पुत्रों की मृत्यु किससे हुई, यानी उसके जो दो बेटे हुए किस कारण मरे थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मलेरिया हैजा से। क्या है, मलेरिया और हैजा से मरे थे लुटन के दोनों पुत्र। प्रश्न सोलहवां, किसकी आवाज़ मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरती।
अब ये पर्सन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, 100% एग्जाम देखने को मिल सकता है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, इसीलिए क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पहलवान की ढोलक की। क्या ऑप्शन सी इसका राइट आंसर जो है, पहलवान की ढोलक की। ठीक है, प्रश्न 17वां है, लुट्टन सिंह ने दूसरे किस नामी पहलवान को पटक कर हरा दिया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए काला खां को। किसको? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर काला खां को। प्रश्न 18वां, राजा साहब का मैनेजर किस जाति से संबंधित था, यानी राजा साहब का जो मैनेजर तो कौन सी जाति से संबंधित था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी क्षत्रिय। क्या ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 19वां, पहलवान की ढोलक किस विधा की रचना। अब ये प्रश्न भी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए कहानी। क्या है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कहानी। ठीक है, प्रश्न 20वां है, फणी सवरनाथ रेणु का निधन कब हुआ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सन 1977 में। कब हुआ था? सन 1977 में हुआ था फणी सवरनाथ रेणु का निधन। अगर आपको प्लीज़ वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दो लाइक, ठीक है, और चैनल को दो सब्सक्राइब। ठीक है, आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, ज़रूर कर देना चैनल को सब्सक्राइब।